हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेंस का फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होगा बेसिक और एडवांस का। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वीडियो खत्म होते होते, अगर पिछले तीनों वीडियो भी देख चुके हो तो टेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तब जब आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ कुछ अप्लाई करने होते हैं। एग्जाम में कम टाइम होता है तो कभी कभी हमारा कॉन्सेप्ट साथ नहीं देता है, उसके साथ हमें कुछ प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है, तो पार्ट फाइव से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टेंस का। कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, साथ में एसपी बख्शी बुक, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एंड नीतू मैम वाली बुक से भी क्वेश्चन होंगे। हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे फ्यूचर टेंस। ये सारा पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तक अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं, बस वीडियो आप देखते रहो, एक दो बार देख लो वीडियो को, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं, चार कैटेगरी होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का होता था। सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, दोनों में से कोई एक, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम आती है कि कौन सा टेंस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में है, उसे पहचानेंगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में अगर गा, गे, गी इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनको कहेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे अगर आप अभी पढ़ोगे तो आपको भविष्य में नौकरी लगेगी, तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका यूजेस देखते हैं। जो एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, ऐसे काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है, वहां पर हम लोग यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे रिया विल गो टू दिल्ली टुमारो, रिया कल दिल्ली जाएगी। ये फ्यूचर में होने वाला है, आज नहीं गई है, अभी नहीं गई है, पास्ट में भी नहीं गई थी, कब जाएगी, कल जाएगी। उसके बाद यहां पर मैं देखता हूं कि स्टार मैं क्यों मार्क करके रखा हूं, समझ में आएगा हम लोग को। एक्शन ऑफ फ्यूचर आर आल्सो शोन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जब कोई काम फिक्स्ड हो, फ्यूचर का काम कोई फिक्स्ड हो, तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करेंगे। ये मैं पिछला पार्ट में कवर कर लिया हूं आपके साथ, फिर भी एग्जांपल देखते हैं। ही इज टू स्टार्ट अ कंपनी, वो कंपनी स्टार्ट करने वाला है, मतलब ये प्लान फिक्स्ड है। ये नहीं कि कंपनी स्टार्ट करेगा भी या नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड है कंपनी स्टार्ट होना है। आई एम गोइंग टू कम टुमारो, मैं कल आने वाला हूं, ये भी प्लान फिक्स्ड है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे, यहां पर कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया, देखिए आप, आई एम गोइंग, यहां पर प्रेजेंट, क्योंकि टू स्टार्ट, ये सब प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। थर्ड हम लोग देखते हैं, टू शो सजेशन प्रिकॉशन विथ एल्स, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो, प्रिकॉशन दे रहे हो, और टेंस में क्या लगा है, सेंटेंस में एल्स लगा है, तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर जाओगे। ये एक प्रिकॉशन है, आप सजेस्ट कर रहे हो, किसी को प्रिकॉशन दे रहे हो कि तेजी से भागो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। आगे मूव करते हैं हम लोग आ जाते हैं इसका दूसरा पार्ट में, फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस में इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, दोनों में से कोई एक, जो जिस समय जरूरत हो, बी वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगाना है लगा दो। जैसे देखते हैं यहां पर, मोहन विल बी डांसिंग, ये वी प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट विल बी, सब कुछ यहां पर सेट कर रहा है। ओके, यूजेस कहां पर होता है, एक्शन से दैट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, ऐसे काम जो कि फ्यूचर में थोड़े समय के लिए मतलब लगातार होते रहेगा, वहां पर हम लोग यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे मूव करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, ही, शी, ये सारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। शैल या विल, अगर आई और वी यूज की हो तो आप शैल लगा दो, अगर ही, शी, इट, दे यूज की हो तो विल लगा दो।
उसके बाद हैव, ये फिक्स्ड है, यहाँ पर हैव हो नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाकी सेंटेंस का पार्ट। यूजेस कहाँ पर होता है? द वर्क दैट विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ऐसा काम जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, मैं ये काम, ये प्रोजेक्ट को कब तक फिनिश कर लूंगा? संडे तक, मतलब फिनिश होगा फ्यूचर में। तो वहां पर यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से ऐसे भी समझ लो ना, काम जो कंप्लीट हो गया होगा, मतलब कुछ भी बचा नहीं है। बाय या बिफोर ऑलवेज कम्स इन दिस टेंस। देखो यहां पर बाय आया है, या तो बाय आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, या तो बिफोर आएगा ही आएगा, यह भी पहचानने का एक तरीका है। आगे मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल विल, जिसकी जरूरत होगी जब सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी वाला वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फ्रॉम और टाइम तो होगा ही, ठीक है। जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये शैल या विल में से एक हो गया, ये हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ये, उसके बाद फ्रॉम, और ये नेक्स्ट मंडे टाइम हो गया। एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कंटिन्यू भी रहेगा, ये नहीं कि कंप्लीट होगा। यहाँ पर क्या, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ओके आगे देखते हैं क्या है इसमें। ओके यही मैं लिख दिया हूँ कि ऑल वीडियोज विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, और साथ में सारे PDF आपको ssatrick.com पर अब मिल रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं चेक कर लिया हूँ, ssatrick.com पे आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, PDF, चारों पार्ट्स के PDF आपको इजीली अवेलेबल है। अगर इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और आप सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद एक बेल बटन खुलेगा, एक बेल बटन ओपन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन बेल बटन प्रेस कर लोगे तो आप नोटिफाइड रहोगे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप इजिली देख सकते हो, और एक दिन में मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके पास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, बाय बाय।